मतलब है जम्मू को फिर से अन्याय करने की शुरुआत करना। आप सहमत है क्या? सहमत है क्या? जिस ऑटोनॉमी की बात ने जम्मू कश्मीर को आग में झुलसाया, घाटी में और कश्मीर में, जम्मू में 40,000 लोग मारे गए, ये कहते हैं हम जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी देंगे। मैं आज बताने जाता हूं, बताकर जाता हूं, भाइयों बहनों मेरी बात ढंग से सुन लेना, कोई ताकत ऑटोनॉमी की बात अब कर नहीं सकती। आप मेरी बात ध्यान से सुन। और भाइयों बहनों अंत में, ये राहुल बाबा की नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस वापस देंगे। अब मैं यहां अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि भैया आप कैसे वापस दोगे, बताओ तो कौन वापस दे सकता है? बड़ा जोर से बोलो, कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? ये क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बना रहे हो भाई? सब में अकल है, वो भारत सरकार ही दे सकती है, मोदी जी ही दे सकते हैं। अब आगे सुनिए, मैंने खुद कहा है कि चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस हम वापस देंगे, और आम सभा में नहीं कहा है, हमने पार्लियामेंट में कहा है। जो चीज हमने दे ही दी है इसको ये मांग रहे हैं, बताइए भाई ऐसा कभी देखा है क्या? अरे भाई मेरा 5 अगस्त 6 अगस्त का भाषण सुन लो, उसमें मैंने कहा है चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को हम फिर से यूटी से राज्य बनाने का काम करेंगे। राहुल गांधी आप लोगों को गुमराह मत करिए, हमने जम्मू कश्मीर को हम जानते हैं, उसके सम्मान को भी जानते हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने सालों से गुर्जरों की, हमारे पहाड़ी भाइयों की, हमारे दलित भाइयों की, ओबीसी समाज के कई सारे वर्ग, जाट और ऐसे कई वर्ग जो सम्मिलित है उनकी रिजर्वेशन की मांग थी, इन्होंने नहीं दिया, हमने इसको रिजर्वेशन दे दिया। ये लोग कहते हैं ये रिजर्वेशन पर हम पुनः विचार कर देंगे। आज मैं फिर से सभी कार्यकर्ताओं को कहता हूं, एक एक पहाड़ी के घर पर, एक एक गुर्जर बगरवाल के घर पर, एक एक दलित भाई जाट भाई के घर पर जाइए और बताइए कि आपका आरक्षण छीनना चाहते हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी ही बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता। भाइयों बहनों, कश्मीर ने बहुत आतंक झेला है, कश्मीर में ऐसी सरकारें थी जो आतंकवाद के सामने आंख मूंद कर बैठी, ऐसे लोग भी है, ऐसे लोग भी है जो शांति होती थी तो यहां आकर मुख्यमंत्री बन जाते थे, और आतंकवाद होता था तो दिल्ली में जाकर कॉफी बार में कॉफी पीते थे। आप जानते हो ना, जानते हो या नहीं जानते हो, कौन है? कौन है? जोर से बोलो, कौन? इन्होंने आतंकवाद को बढ़ाया। मैं आज कहना चाहता हूं मोदी जी के 10 साल में आतंकवाद में 70% कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की, आतंकवादियों को चुन चुन कर नसीहत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कई सालों के बाद अमरनाथ यात्रा बेखौफ गई, 5 लाख लोग दर्शन कर आए। कई सालों के बाद घाटी में रात का थिएटर चालू हुआ, कई सालों के बाद घाटी में ताजिया का जुलूस निकला, और कई सालों के बाद हमारी जम्मू और कश्मीर की कई यात्राएं निर्विरोध समाप्त हो गई। भाइयों बहनों, अगर ये आए तो पीछे के पीछे आतंकवाद आया समझिएगा, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने और विशेषकर जम्मू के लोगों ने तय करना है
कि आपको आतंकवाद चाहिए या चैन अमन शांति विकास और उद्योग विकास चाहिए, ये आपको तय करना है। अगर एनसी कांग्रेस आई तो आतंकवाद आएगा, और भाजपा आई तो किसी की तकात नहीं है आतंकवाद को यहां घुसपैठ कराने की। भाई और बहनों, हमने पंचायत के चुनाव कराए, ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, जिसको ये तीन परिवार रोक कर बैठे थे, और पंचायत चुनाव में हमारे लोगों ने अच्छे से वोटिंग भी किया। और भाइयों बहनों, हमने अकेले जम्मू में 32,000 करोड़ से ज्यादा विकास का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी। मुझे जरा जोर से बुलाओ, मोदी जी ये सारा विकास लेकर आए, मैं आपको पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में एम्स कौन लेकर आया? जोर से बोलो, कौन लेकर आया? जम्मू कश्मीर में आईआईटी कौन लेकर आया? जम्मू में आईआईएम लेकर कौन आया? भाइयों बहनों, आपको एक भी जुलूस नहीं निकालना पड़ा, एक भी डंडा नहीं खाना पड़ा। जम्मू में एम्स, आईआईटी, आईआईएम देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी, कई सारे कॉलेज बने, इसके आगर चला 25,200 करोड़ से हाइड्रो पावर 3,000 मेगावाट से ज्यादा जनरेट होने लगेगा, जिससे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए पैसा आने वाला है। भाइयों बहनों, बिजली की व्यवस्था में भी हमने सुधार किया, और कई सारे विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। आज ये अपने 10 मुद्दे पर नाच करते हैं, जो जम्मू कश्मीर को पहले की तरह और विशेषकर जम्मू को आतंकवाद की लपेट में लपेटना चाहते हैं। मैं आपको कहकर जाता हूं, आप एक कार्यकर्ता चार परिवार का फॉर्मूला पार कर दीजिए, हम जम्मू को आतंकवाद की आग से हमेशा के लिए बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी। और ये कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, कल मुझे मीडिया के मित्र बोले कि यहां तो एक हवा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन रही है कांग्रेस और ने। मैं आज भाइयों बहनों, मैं बड़ी युवा अवस्था से चुनाव के आंकड़ों का विद्यार्थी हूं, और मेरा आकलन भी कमोबेश ठीक रहता है। आज मैं आपके सामने कह कर जाता हूं, सामने की दीवार पर मैं लिखा हुआ पढ़ पाता हूं कि जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बन सकती, मेरी बात मान कर। घर घर में जाकर हमारा कार्यकर्ता ये संदेश आगे पहुंचाए। भाइयों बहनों, ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के विलय के बाद हमारे महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू के बाहर निकाला, कभी आने नहीं दिया। महाराजा की अर्थियां आ गई, महाराजा अपने जीवन में नहीं आ पाए। हरि सिंह जी का अपमान करने वाले लोग जीतने चाहिए क्या? इतने सालों तक हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने आकर हमने छुट्टी देने का काम किया। और वो हरि सिंह जी जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा था, उनका सम्मान करने का काम किया। भाइयों बहनों, ये तीनों परिवार भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर, और इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि एक और पूरे देश का भ्रष्टाचार, और दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का भ्रष्टाचार। अगर इतना पैसा जम्मू कश्मीर में विकास के काम में खर्च होता तो आज आपका कोई काम बाकी नहीं होता। भाइयों बहनों, आज मैं जब यहां पर आया हूं,
तब हमारे संकल्प पत्र की भी बात करना चाहता हूं। आपको अच्छा लगे तो जोर से नारे लगाइएगा। हमने तय किया है कि मां सम्मान योजना के तहत सबसे वरिष्ठ माता को, सबसे वरिष्ठ महिला को 18,000 रुपया हम सालाना देने का काम करेंगे। उज्ज्वला लाभार्थी को 2 गैस के सिलेंडर हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अग्निवीरों को 20% आरक्षण केंद्र के अलावे जम्मू कश्मीर की नौकरियों में देंगे। और डोडा में, किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क, और डोडा किश्तवाड़ में जहां 7 झील है वहां पहलगांव से भी अच्छा एक नया पर्यटन शहर बनाएंगे, जिससे जम्मू क्षेत्र के पर्यटन को आगे बढ़ेगा। हम टैटू ग्राउंड पर एक एम्यूजमेंट पार्क बनाएंगे। हम डल झील में विश्व का सबसे अच्छा झील पर्यटन का केंद्र बनाएंगे। एससी और एसटी को नौकरियों में उनके प्रमोशन निश्चित करेंगे। हर किसान को मोदी जी 6,000 भेज रहे हैं, हम इसमें 4,000 जोड़कर 10,000 रुपया देंगे। कृषि बिलों के दरों में 50% राहत देंगे। जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो चलाएंगे। हर साल 5 साल तक 100 मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे। और साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर तवी रिवर फ्रंट बनाकर यहां बहुत बड़ा हम एक पर्यटन का सेंटर बनाएंगे। और कश्मीरी पंडितों और विस्थापितों के लिए एक नई योजना लेकर भी आएंगे। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर का समग्रता से विकास ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। मैं घाटी के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, कई बार आपने इनके हाथों में सत्ता दी, जब जब आतंकवाद आया फारूक साहब और उनका परिवार इंग्लैंड चला जाता था। जरे उनके पासपोर्ट देख लीजिए, आतंकवाद आया तब घाटी के युवा मरे। हमने घाटी को आतंकवाद से रहित करने का काम किया है। बाकी जो करना है वो करिए, फारूक साहब और कांग्रेस को मत जिताना भैया, नहीं तो उनका एजेंडा फिर से आतंकवाद लाने का। विकास की